में मध्य प्रदेश की जनता के लेकर शिवराज सरकार ने बड़े फैसले लिए। हमारे साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सर, आज बड़े फैसले हैं, तीन बड़े फैसले जनता को लेकर आए। एक, सुशासन की दृष्टि से हमारी जनता को निश्चित समय सीमा में बिना लिए दिए सेवाओं का लाभ मिले, इसके लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट हमने बनाया और उसमें तय किया कि अगर निश्चित समय सीमा में सेवाएं नहीं दी तो सेवा देने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर जुर्माना लगेगा, जो उससे वसूल होगा वो हरजाने के रूप में जिसका काम देर से हुआ उसको दिया जाएगा। लेकिन अब इसमें एक और बड़ा परिवर्तन हमने किया कि 7 दिन में अगर कोई सेवा देनी तो 7 दिन में अगर किसी अधिकारी ने नहीं दी तो 7वें दिन अपने आप कंप्यूटर चलित आदेश जिसको सेवा देनी उस भाई बहन को मिल जाएगा, डीम्ड परमिशन हो जाएगी, कोई आदमी अब इस बीच में रहेगी नहीं तो कोई चीज डिले होगी नहीं, समय पर लाभ मिलेगा। मिलावट के खिलाफ मध्य प्रदेश में हम जबरदस्त अभियान चला रहे हैं, मिलावट को समाज के दुश्मन है, नकली प्लाज्मा तक लगाने वाले मिल गए, इसलिए दवाइयां हो, वैक्सीन या कोरोना से संबंधित कोई मामला हो या फिर खाद्य पदार्थों में मिलावट हो, ऐसे मिलावट करने वाले अपराधियों के खिलाफ पहले कड़ी सजा का, उतनी कड़ी सजा का प्रावधान नहीं था, केवल 1,000 रुपया जुर्माना और 1 साल की सजा करके छूट जाते थे, अब आजीवन कारावास का भी प्रावधान किया है और जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी गई है, संज्ञेय अपराधों का गैर जमानती होगा ये प्रावधान कर दिया है। और तीसरे, धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 वो वक्त बड़ा फैसला है, लोभ लालच भय लोभन पहचान छुपा के विवाह कर लेना, पंचायत में कब्जे के लिए पहचान छुपा के विवाह कर लेना और किसी कुत्सित इरादे से धर्मांतरण की कोशिश करना, इसको हमने संज्ञेय अपराध मानते हुए कड़ा कानून हमने बनाया है और उसमें 10 साल तक की सजा और 1,00,000 रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान रखा है ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी।